प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत किया जाता है। नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव के कारण से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप दुखों में हैं, अगर आप तकलीफों में, अगर आप समस्याओं में हैं, अगर आप बीमारियों में हैं, अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो आइए भी इसी वक्त पिता के सामने घुटने टेकर बैठ जाइए और बोल दीजिए पिता के सामने। कुछ भी मत रख छोड़िए, सब पिता से शेयर कीजिए, ठीक है। और पिता हमारा महान है, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा, गरीबों को, दुखों को, बीमारियों को ठीक करेगा हमारा पिता, ठीक है। अगर आपको विश्वास है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तू इस पहाड़ से या इस पेड़ से कह देगा, इस स्थान से उठकर उस स्थान चला जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा मेरे प्रियो, ठीक है। हमें विश्वास करना है, ठीक है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उछलती और बहती है मेरे प्रियो, ठीक है। वैसा विश्वास किसी को चंगाई नहीं दे सकता है, उद्धार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अपने सिरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु की प्रभु, मेरे मालिक, मेरे पिता। होने दे मेरे स्वामी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, विनती करते हैं मेरे पापा। जो बीमार हैं पिता, जो बीमारी में ग्रस्त हैं मेरे पिता, जिनकी बीमारियां नहीं ठीक रही पिता, उनके शरीर में कैंसर है, ब्लड कैंसर है, पथरियाँ, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं मेरे पिता, वे नहीं ठीक हो रहे मेरे स्वामी। हम चाहते हैं मेरे पिता वे चंगे हो जाएं मेरे पिता, वे आजाद हो जाएं पिता, वे फ्री हो जाएं अपनी बीमारियों से पिता। किसी के पास पिता इतना पैसा नहीं है मेरे स्वामी कि वे अपना इलाज हॉस्पिटलों में करा सके मेरे पिता। पिता आपका चंगे वाला हाथ, आदर्श वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, हर एक जन को छू लीजिए मेरे पिता। वे ब्लेस हो जाएं, वे चंगे हो जाएं, वे आजाद हो जाएं अपने बीमारियों से मेरे पिता। होने दे मेरे पिता, जो भी हम सभी से पाप होते हैं, गलतियां हुए हैं, आप माफ करें मेरे स्वामी, आप क्षमा करें पिता। आपका दया वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी मेरे पिता। आपने हमारे खातिर कोड़े खाए हैं, लहू बहाया है, कांटों का मुकुट आपके सिर पे गूंध कर रखा गया था मेरे पिता। हमारे पापों के कारण पिता आपने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया और आप क्रूस पर चढ़ गए मेरे पिता, बलिदान हो गए मेरे पिता। पिता इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। मेरे पिता आपने कहा है, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ मेरे पिता। आपने साफ साफ कहा है, वह घड़ी दोपहर की भी हो सकती है, रात की भी हो सकती है, सुबह की भी हो सकती है मेरे पिता। इसलिए आपने कहा है, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ मेरे पिता। आपका वचन कहता है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊँगा मेरे पिता। आपने कहा है, आपने कहा है मेरे पिता, उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा पिता। आपने कहा है, उस दिन दो मनुष्य खेतों में काम काज कर रहे होंगे, एक को ले लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा मेरे पिता। आपने कहा है, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक को ले ली जाएगी, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा मेरे पिता। आपने पहले से चिता दिया है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं, तैयार रहिए, क्योंकि पिता आने वाले हैं। पिता नाश करना नहीं चाहता है किसी को मेरे प्रियो, ठीक है। पिता ने हम सभी के लिए लहू बहाया, रक्त बहाया है, हमारी बीमारियों को, हमारे पापों को, हमारे बोझों को, हमारे दुखों को उसने उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो। पिता हमारा महान है, दयालु है मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। आपने मुर्दों को जिलाया, हिंदुओं को दृष्टि दी है, कोढ़िये बाजों को शुद्ध किया है मेरे पिता। पिता आपने महान आश्चर्य काम किए हैं मेरे पिता। आपके ना कोई तो लिवा हो, ना कोई हो पाएगा इस जगत में मेरे पिता, क्योंकि मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, आपने बहुत आश्चर्य कार्य किए हैं मेरे पिता। मेरे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता, किसी के पास ये अधिकार नहीं है मेरे पिता। पिता शैतान की युक्त योजनाओं से पिता बचा के रखिएगा, छिपा के रखिएगा मेरे पिता, क्योंकि पिता शैतान तो फाड़ने वाला भेड़िया है पिता, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है मेरे पिता, वह इसी खोज में रहता है किसको फाड़ नोच खाए मेरे पिता। इसलिए पिता आपका वचन कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खाए मेरे पिता।
मेरे पिता, जो पिता किसी बात को लेकर टूट चुके हैं पिता, जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है पिता, आप उन्हें छू लीजिए पिता। वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए मेरे यीशु मसीह मेरे पापा, उन्हें छू लीजिए। आपका दयावाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। मेरे पिता होने दे मेरे स्वामी। मेरे पिता जो पिता हस्त मैथुन करते हैं, जो हस्त मैथुन की लत में जूझ रहे मेरे पिता, आप उन्हें जानते हैं पिता। वे छोड़ना चाहते हैं मगर मेरे पिता उनसे नहीं होता। मेरे पिता आप उन्हें छू लीजिए पिता, उनका हृदय मन दिमाग चेंज हो जाए। वे इस गंदी लत से बाहर निकल आए मेरे पिता, वे इस गंदी लत से बाहर निकल आए यीशु पापा, निकल आए मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता हर एक जन को छू लीजिए पिता। पिता वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, सदा सदा के लिए बंद हो जाए इस मसीह आपके नाम से मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यश यीशु पापा आपके नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से पुकारते हैं, गुहारते हैं यीशु राजा। मेरे पिता हर एक जन को छू लीजिए, वे ब्लेस हो जाएं, वे आजाद हो जाएं, गुनाहों से, पापों से, बीमारियों से आजाद हो जाएं मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार है यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता। आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी को स्वर्ग दे सकते हैं, अनंत काल का जीवन दे सकते हैं मेरे पिता, क्योंकि शैतान के वश में कुछ ही नहीं है मेरे पिता। मेरे पिता हमें इस प्रकार से बनाइए पिता ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। मैं पवित्र बनाइए हम सब को मेरे पिता ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। स्वामी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया यश हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं पिता उन्हें खाने को दीजिए पिता, जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाइए मेरे पिता, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा पिता उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आप ही हमारे यीशु पापा हैं, आप ही मदद करने वाले हैं, आप ही सहायता करने वाले हैं, आप ही खिलाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो रो रही हैं, जो बिलख रही हैं, अपने घर को लेकर परिवार को लेकर टूट गई हैं मेरे पिता। मेरे पिता पवित्र आत्मा जी अभी इसी घड़ी छू लीजिए उन्हें, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, ये टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो मेरे पिता। आपने महान आश्चर्य काम किए हैं, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है मेरे पापा, उसी प्रकार से मेरे पिता इन मसीह भाइयों के जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता। पिता हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें गंदे सपने आते हैं, डर लगता है, भय लगता है, नाइट फील होता है जिन भाई को मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता। पिता उन्हें सुख की नींद आने पाए मेरे पिता, कोई डरावना गंदा सपना ना आने पाए मेरे पिता, दूध के द्वारा उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भय से न डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू न घबराना। मेरे पिता आपने अपने वचन में कहा है पिता यीशु मसीह, पिता इस वचन के द्वारा पिता इनके जीवन में चमत्कार करें, इनकी सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। पिता इस रात को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। पिता मुझे आशा है, विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना है मेरे पिता। पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन आमीन।